चलो तो लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद लिगेंड्स की डेफिनेशन हमने देखी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब क्या होते हैं कि जिसके अंदर में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या कि कोई एक आयन एटम या मोलिक्यूल क्या करता है, होल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, कॉम्बिनेशन में लेके आता है, मतलब बॉन्डिंग में लेके आता है, और उससे जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में क्या देखते हैं कि जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन फॉर्म करते हैं, मेटल्स और लिगेंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब सेंटर में क्या रहेगा, मेटल रहेगा, उसके साइड में क्या रहेंगे, अराउंड में लिगेंड्स रहेंगे। अब लिगेंड्स कैसे होते हैं, लिगेंड्स किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, है ना, टूवर्ड्स सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। और लिगेंड्स कैसे, दो टाइप के होते हैं, एक तो जिनके ऊपर में क्या होता है, चार्ज होता है ना, निगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, या तो फिर न्यूट्रल भी होते हैं। अब न्यूट्रल होते हैं इन द सेंस कैसे, जैसे मान लो कि ये वाला भी लिगेंड है ना, OH माइनस, या तो फिर इसको भी लिगेंड कह सकते हैं, ये भी क्या होगा, लिगेंड ही होगा, बराबर, क्योंकि इसके ऊपर में कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ऐसे लिगेंड होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स एक ही ग्रुप होगा, एक ही एटम मॉलिक्यूल होगा, है ना, लेकिन उसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स कौन होते हैं, दो होते हैं। जैसे हमने केस देखी थी NO2 के केस में, है ना, यहाँ पे मान लो कि ये मेटल है और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, नाइट्रोजन थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डोनेट होंगे किसको, मेटल को। या तो फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे जैसे मान लो कि O है ना, N क्या रहेगा, ये ओ रहेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वो तो किसके थ्रू हो रहे, ऑक्सीजन के थ्रू। तो ऐसे टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं उसको एम्बिडेंट लिगेंड हम कहते हैं, आगे ठीक है। अब इसके अंदर में हमने जो क्लासिफिकेशन किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स कितने हैं, ठीक है, तो उसके अंदर में हमने दो टाइप से कैटेगराइज किया था, एक मोनोडेंटेड मतलब जहाँ पे लिगेंड कितने होंगे, सिर्फ एक ही लिगेंड होगा जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। अब पॉलीडेंटेड मतलब क्या होता है, जिसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा होते हैं, उसको हम पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे इस केस में भी मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि वो FeCl क्या रहेगा, 6, बराबर। अब इसके स्ट्रक्चर में यहाँ से अगर पोटेशियम ने है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उसके ऊपर में चार्ज कौन सा आएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग FeCl 6, है ना, या फिर सीएम 6, और इसके ऊपर में चार्ज आएगा -4। ये कहाँ से आया, क्योंकि चार पोटेशियम ने क्या किए, चार इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पोटेशियम कितना इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन रहा है तो इसके ऊपर में ये चार्ज आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डोनर्स अगर से देखें तो कितने हैं, 6 हैं, साइनेट्स कितने हैं, 6 हैं, तो ये 6 साइनेट्स क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, एरो यूज करते हैं, जैसे इस केस में किया है ना, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना टूवर्ड्स मेटल एटम, ठीक। तो इसीलिए क्या किया हमने, मेटल के डायरेक्शन में लिगेंड की है ना, लिगेंड से मेटल के डायरेक्शन में एरो हमने नोट किया है, बराबर, ठीक। तो ये होते हैं लिगेंड्स के केस में, ठीक।
बात समझ में आ रही? ओके चलो, तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसको हमने रिवाइज कर लिया, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टर्म्स विच आर यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिख के लेते चलो। ठीक है, अभी हमारा सिलेबस तो वैसे ज़्यादा है नहीं, इसके बाद में एक चैप्टर बचता है तो वो भी छोटा सा है, कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टर्म्स यूज इन इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, टर्म्स विच आर यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेटा ठीक है, चलो पहला लिखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एस पी एच ई आर ई स्फीयर, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब देखो स्फीयर किसको बोलेंगे, जहां पे लिगेंड और सेंट्रल मेटल आइटम जो होता है, मेटल और लिगेंड जो होते हैं, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में बताते हैं, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में उसको शो करते हैं, है ना, और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, चार्ज इंडिकेट करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब यहाँ पे सारी, है ना, कोऑर्डिनेशन लिगेंड और मेटल आइटम के बीच में बनती है, है ना, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में बना रहे हैं हम लोग, तो उसको कोऑर्डिनेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे तो कैसे बनेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, और ये होगा उनका स्फीयर, कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, तो लिखो द सेंट्रल एटम, या तो फिर सेंट्रल मेटल एटम, या आयन कहो, द सेंट्रल मेटल आयन, द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड, एंड लिगेंड्स, द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स, लिगेंड्स लिंक्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, आर एनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा उसको, कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। है ना, जो कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ना, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, क्योंकि अगर से यहाँ पे अगर से हम देखें तो ये, है ना, ये के क्या होंगे, है ना, फोर के क्या होंगे, ये प्लस होंगे, बराबर ना, मतलब एक पोटेशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, है ना, तो ये यहाँ पे कितने चार्ज हैं, एक्चुअल में एक नजर आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पोटेशियम कितने हैं, चार, है ना, तो इसीलिए ये चार पोटेशियम और यहाँ पे चार लगा है, तो ये वाला जो पूरा, है ना, सेक्टर होगा यहाँ पे सभी क्या होंगे, स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग होगी उनकी, है ना, थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो ये बनता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, क्या लिखा आपने, थ्रू अ स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, थ्रू विच इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट लिखो, या थ्रू अ स्ट्रक्चरल यूनिट, वट एवर जो भी आपको लिखना है, है ना, ठीक है, ठीक, ओके, अब ये वाला जो होगा, ये वाला सेक्शन इतना, है ना, इसी को हम कॉम्प्लेक्स आयन भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, ये वाला इतना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स भी ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, है ना, पूरे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, तो ये वाला क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स आयन। आयन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा है, है ना, चार्ज है ही नहीं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो वो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। ठीक है, चल, तो ऐसे ही एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिख सकते हैं हम लोग, जैसे देखो ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, के फोर एफ ई, है ना, सी एन सिक्स, अभी यहाँ पे चार्ज है कोई नहीं, है ना, यहाँ से पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर, तो एग्जाम्पल लिखना है,
चलो कोई मेटल अगर चाहे तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है वो भी देखेंगे। चलो नेक्स्ट रीडिंग नेक्स्ट दे दो। चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ठीक, ठीक है। अब यही केस हम लोग देखेंगे इसी एग्जांपल को, है ना। हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है तो कैसे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर में चार्ज आता है और सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखो, नीचे चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना नजर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर में चार्ज कितना नजर आ रहा है, -4 है कि नहीं। ठीक है, देखो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू -4, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -4, है ना। नीचे लिखो लाइन चेंज करके, इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड्स, चार्ज ऑफ लिगेंड्स। ठीक, अब नीचे लिखो इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड मतलब कितने हैं, ये कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज हो गया, है ना। चार्ज ऑफ लिगेंड मतलब कितने लिगेंड्स हैं हमारे पास, 6 है, है ना। चार्ज ऑफ लिगेंड क्या रहेगा, 6 है, है ना, है ना। चार्ज ऑफ लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस 6 इंटू चार्ज ऑफ Cl-, है ना। यहाँ पे ऐसे लिखना है इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, है ना, प्लस 6 इंटू, है ना, ये वाला ऐसे क्या रहेगा, चार्ज ऑफ लिगेंड्स, है ना। तो लिगेंड्स कौन है हमारे पास, Cl- है, बराबर। ठीक है, चार्ज ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो OS ऑफ Fe, नीचे और लाइन में OS ऑफ Fe आयन प्लस हाँ 6 × साइन, है ना। Cl पे कितना चार्ज है, 1 है ना, -1। तो लिखो OS ऑफ Fe प्लस 6 × क्या आएगा, है ना, OS ऑफ Fe प्लस 6 × -1 आएगा, बराबर ना। ठीक है, क्या हो गया। चलो नीचे लिखो लाइन चेंज करके इज इक्वल टू OS ऑफ Fe इज इक्वल टू, देयरफॉर OS ऑफ Fe इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज कितना है, -4 का, है ना, कितना है, -4। तो नीचे लिखो OS ऑफ Fe इज इक्वल टू -4 प्लस 6 कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बताओ, प्लस वाला 2 या माइनस वाला 2, प्लस वाला, है ना, क्योंकि हम चार्ज ये साइन कौन सा यूज करते हैं, जो बड़ा वाला होता है ना उसका साइन यूज करते हैं। तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे,
प्लस टू लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस टू लिखना है, ऐसे नहीं कि मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, अगरचे यहाँ पे कुछ अगरचे नहीं है तो क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, प्लस होगा है ना, लेकिन यहाँ पे हम दो साइन का यूज कर रहे हैं, आंसर को यहाँ पे माइनस या प्लस जो भी आपका आता है तो ये लिखना है यहाँ, है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्लस प्लस टू भी लिखे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर अगर से करेगा तो है ना, करेगी तो थोड़ा सा बेटर होगा, है ना ठीक है। आगे तो यहाँ पे क्या किया हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किसकी निकालनी थी, आयन की निकालनी थी, ठीक है ना। अब आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमने क्या किया है ना, कॉम्प्लेक्स आयन जो है ना, कॉम्प्लेक्स के ऊपर में चार्ज हमें यहाँ माइनस फोर नजर आ रहा है कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर है ना। और लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने बेटा, छः है ना। अगर छः लिगेंड्स हैं तो साइनेट के ऊपर में चार्ज आता है माइनस वन, वो कैसे आता है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, HCl है ना, हाइड्रोजन साइनाइड। तो यहाँ पे अगर से हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट अगर से करेंगे तो ये एच प्लस में होगा, प्लस क्या रहेगा ये सी एन माइनस बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा है ना। तो यहाँ पे चार्ज कितना आता है, माइनस वन चार्ज आता है। तो छः लिगेंड्स हैं हमारे पास, तो छः लिगेंड्स की कितने बनेंगे, माइनस सिक्स बनेगा कि नहीं बनेगा है ना, छः बनेंगे ना, ये हमने छः लिखे है ना ओके। चलो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ये भी हमें निकालना है, और यहाँ पे यानी हमने क्या किया है, सिक्स लिगेंड्स हैं है ना, चार है साइनाइड, कितना एक पे एक आएगा तो छः पे कितने रहेंगे, छः रहेंगे है ना। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज कितना नजर आ रहा है, चार है माइनस फोर है ना, तो इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस सिक्स निकाला, तो ये मिला हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe निकाला, ठीक आगे ओके। चलो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में सी डॉट एन भी लिखा जाता है कैपिटल में, कैपिटल लेटर्स में सी डॉट एन कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा हमने सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था, याद है आप लोगों को, सभी को याद होगा क्योंकि सीखा है तो याद रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है कि हमने सॉलिड के अंदर में क्या देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई स्फीयर है, स्फीयर के अराउंड में है ना सेंट्रल स्फीयर को कितने सराउंडिंग स्फीयर्स अटैच हैं उसके हम क्या कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखा था है ना, नंबर ऑफ अटैच्ड स्फीयर सराउंडेड बाय है ना स्फीयर्स टू अ सेंट्रल स्फीयर, उसी से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं कि नहीं। तो जितने स्फीयर कॉन्टैक्ट में रहेंगे, टच करेंगे, तो वही क्या रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। अब यहाँ पे भी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर जब निकालते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम को नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अटैच है ना, कितने कॉन्टैक्ट में आते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं उसके ऊपर से हम लोग निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वही क्या रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। जैसे डेफिनेशन लिखो, मैं बताता हूँ, लिखो देखो लिगेंड्स कितने अटैच रहेंगे उसके हिसाब से निकालेंगे हम लोग। लिखो नीचे देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स या तो फिर नंबर ऑफ लिगेंड डोनर्स, ऐसे करो नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स directly attached to it or number of electron pairs involved in the coordinate bond, बराबर कि नहीं, coordinate bond में जितने number of electron pairs involved रहेंगे है ना, मतलब number of coordinate bond is nothing but क्या बोल सकते हैं coordination number बता सकते हैं हम लोग। क्योंकि क्या हो रहा है कि coordination bond कभी बनेगा जब क्या करेंगे ligands electron
सेंट्रल मेटल आयन की तरफ क्या करेंगे, पुश करेंगे। अब जब लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ पुश करेंगे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो डोनर है ना, आगे लिगेंड्स की तरफ जाएंगे जितने बॉन्ड बनाएंगे तो वही क्या रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, है ना। जैसे डायरेक्टली अगर से मेटल को जितने भी लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वही क्या रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, है ना। कुछ केस में चार भी देखते हैं हम लोग, कहीं पे पांच भी दिखा करते हैं या छह भी होते हैं, है ना। तो वही क्या रहेगा उसका, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है वही क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने नंबर ऑफ लोन पेयर डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन से वही उसका क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स भी हम लोग देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे। अच्छा, मैं अगर से कहूँ इस एग्जांपल में अगर से कि कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe, तो क्या बोलेंगे आप लोग, छः है ना, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने, इलेक्ट्रॉन डोनर कितने कर रहे हैं, है ना, छः इलेक्ट्रॉन पेयर डायरेक्टली क्या कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर रहे हैं, तो वही उसका क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, ठीक है, वही क्या रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, है ना। चलो अभी और एक केस मैं आपको बताता हूँ, CONH3 फोर टाइम CH2 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो स्टॉप करते हैं आज के लिए।